कार पलटने से पांच शिक्षकों की हुई दर्दनाक मौत लखीमपुर खीरी के पलिया के पास सतरिया क्रॉसिंग के आगे पीडब्ल्यूडी की घोर लापरवाही के कारण सुबह एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया बीते वर्ष बाढ़ के कारण सड़क कट गई थी जिसमें आज सुबह एक गाड़ी यूपी छब्बीस एम से सात ट्रिपल नौ जिसमें करीब ग्यारह लोग सवार थे गाड़ी सड़क के किनारे एक पुलिया में गिर गई जिसमें मौके पर तीन लोगों की मौत हो चुकी थी तीन जिंदा निकाले गए बाकी को निकाला जा रहा था पीडब्ल्यूडी की घोर लापरवाही का कारण यह हादसा हुआ है अगर जो पीडब्ल्यूडी की लापरवाही ना होती तो इन लोगों की मौत ना होती गड्ढा मुक्त सड़क का सपना का पूरा होगा गड्ढा मुक्त अभियान का सच पलिया पलिया में आया सामने जाए लोग कार में सवार थे सभी पुलिस ने मौके पर पहुंच फौरन रेस्क्यू कराया दुर्घटना में मरने वालों के नाम है राजकिशोर चौवन पुत्र कृष्णदत्त शर्मा निवासी दो विकास नगर हरदोई विनय चालीस पुत्र राउत निवासी सुखनपुरवा थाना निघासन जनपद खीरी उमेश गंगवार छत्तीस पुत्र परम कीर्ति निवासी ग्राम कनकपुर पोस्ट अहरा जिला रामपुर शिक्षक हरनाम चंद्र के इकतीस पुत्र नारायण चंद्र निवासी ग्राम पदमपुर मिलक रामपुर शिक्षक मतियल्ला खान चौसठ पुत्र सपकतुल्ला खान निवासी इब्राहिमपुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी जिला संवाददाता राकेश कुमार चक्रवर्ती लखीमपुर खीरी की खास रिपोर्ट क्या पूरा मामला हो गया भैया हम लोग शाहजहांपुर से बैठे फिर आगे यहाँ पलिया के आगे रोड कटा था गाड़ी ड्राइवर सो, सो गया को जाना का हुआ गाड़ी पलट गया तो हम बड़ी मुश्किल में निकल पाया बिना तो ठोर मर गया भैया कितने लोग थे लगभग गाड़ी, गा, गाड़ी में गाड़ी में ग्यारह बारह तेरा आदमी थे पाँच छे तो मर गए अच्छा मिला करके कहा के रहने वाले हैं हम सुखनपुरा के रहने वाले हैं और लोग कहाँ के रहने वाले हो सकते हैं और हमारे एक बहनोई है मजगई के रहने वाले हैं दो लोग हम अपने घर के थे ठीक क्या नाम है आपका राम नरेश क्या हुआ है पूरा वो आ रही थी पता नहीं ड्राइवर सो गया जाना क्या और गाड़ी एकदम अचानक में पलट गई कितने लोग थे गाड़ी में गाड़ी में होते हैं पंद्रह सोलह सत्रह आदमी कहाँ के रहने वाले थे ये सब लोग सब जहाँ तहाँ के थे अच्छा कितने लोग की मृत्यु हो गई इसमें सर तो पाँच आदमी खत्म हुए